दोस्तों अक्सर हम फिल्मी दुनिया के उन कलाकारों को नजरअंदाज कर देते हैं जो फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में या फिर विलन के रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं। हमारा पूरा फोकस बस दो मेन कैरेक्टर पर जाता है, हीरो और हीरोइन। दरअसल इसमें हमारी गलती नहीं होती है, वे फिल्मों में नेगेटिव रोल करते हैं इसलिए हम उन्हें उसी नजरिए से देखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वे सिर्फ फिल्मों में नेगेटिव होते हैं, असल जिंदगी में तो वो कहीं ज्यादा नेक और शरीफ होते हैं। वैसे आपको समझ ही गया होगा कि आज हम किस तरह के एक्टर की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में विलन और कॉमिक रोल निभाने वाले अभिनेता शिवा रिंदानी के बारे में। शिवा कई फिल्मों में नेगेटिव और कॉमिक रोल निभाते हुए नजर आ चुके हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को काफी रोमांचित किया है। काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर रह चुके शिवा ने पिछले साल ही अभिनय का काम शुरू कर दिया है। वे अभी भी फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव हैं, हालांकि वो अब अधिक अभिनय करते नजर नहीं आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे और क्यों उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था इससे भी रूबरू कराएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरा किया और फिर गुजरात के राजकोट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ गया। हालांकि वो बचपन से ही फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब उनका झुकाव फिल्मों की तरफ गया तो अपने सपने को पूरा करने के लिए वे मुंबई आ गए, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि अगर उनका सपना पूरा हो सकता है तो वो सिर्फ मुंबई में ही और कहीं नहीं। मुंबई आने के बाद उन्हें इधर उधर काफी भटकना पड़ा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। बहरहाल उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। फिल्मकारों के दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक फिल्म में अभिनय करने का मौका मिल गया। साल 1984 में वो अपनी पहली फिल्म घर एक मंदिर में दिखे। ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें उनका रोल काफी छोटा था, लेकिन उन्हें इस बात से खुशी थी कि इतना भटकने के बाद आखिरकार किसी फिल्म में काम करने का मौका तो मिला। इस फिल्म में शशि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में दिखाई दिए और उनके साथ मौसमी चटर्जी भी दिखाई दी। इतना ही नहीं, इसमें रंजीत, राजकिरण, सुरेश ओबरॉय, कादर खान और शक्ति कपूर जैसे अन्य सहायक कलाकारों ने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली, हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। अपनी पहली फिल्म करने के बाद वो साल 1985 में अपनी दूसरी फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए। इस फिल्म का शीर्षक है मेरा जवाब। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री एक दूसरे के अपोजिट रोल में दिखे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि इस फिल्म में भी शिवा को बेहद ही छोटा रोल मिला था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। बहरहाल अभिनय जारी रहा और उन्हें अपनी तीसरी फिल्म में भी कास्ट किया हुआ और करीब दो साल बाद साल 1987 में वो फिल्म दादागिरी में नजर आए। ये एक एक्शन फिल्म थी जिसे दीपक शिवदशानी ने निर्देशित किया था और इसमें अभिनेता धर्मेंद्र और गोविंदा लीड रोल में दिखाई दिए। उनके साथ पद्मिनी कोल्हापुरी और रति अग्निहोत्री भी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इसके अलावा अमरीश पुरी, शशिकला, राकेश बेदी, मणिक ईरानी और पूजा घई जैसे कलाकार दिखाई दिए। इसमें शिवा ने विक्की की सहायक भूमिका निभाई थी। फिल्म के गानों को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया, इसके साथ ही स्टोरी को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई और इससे उन्हें काफी मदद मिली। वो दर्शकों के बीच थोड़े बहुत लोकप्रिय जरूर हुए। दोस्तों तीन फिल्मों में अभिनय करने के बाद आखिरकार उन्हें एक सहायक अभिनेता के रूप में थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली, लेकिन अभी भी वो दर्शकों के बीच कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उसी साल जब वो अपनी चौथी फिल्म डांस डांस में नजर आए तो उन्हें फिल्मकारों के साथ दर्शकों के बीच भी लोकप्रियता हासिल हुई, हालांकि बाकी अभिनेताओं के जितना वो लोकप्रिय नहीं हुए। इसके लीड हीरो की बात करें तो इसमें मिथुन चक्रवर्ती रामू की भूमिका में दिखाई दिए, जबकि अभिनेत्री स्मिता पाटिल और मंदाकिनी भी इस फिल्म में दिखाई दी। ये एक सफल फिल्म साबित हुई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये साल की 14वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई और फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। वो कई फिल्मों में एक विलन और एक हास्य कलाकार के रूप में भी नजर आए। उन्होंने खूनी महल, कयामत से कयामत तक, कमांडो, हलाल की कमाई, आग के शोले, 20 साल बाद, फर्ज की जंग तकदीर और तकदीर का तमाशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म कयामत से कयामत तक बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने में सफल रही। ये फिल्म निर्देशक मंसूर खान की डेब्यूटेंट निर्देशित फिल्म थी। इसमें आमिर खान और जूही चावला मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म का गाना पापा कहते हैं काफी लोकप्रिय हुआ और दर्शकों ने इस गाने को काफी पसंद भी किया। इतना ही नहीं, 90 के दशक में शिवा काफी लोकप्रिय हुए और उनकी मेहनत रंग लाई और शिवा एक बेहतरीन अभिनेता बनकर उभरे। 90 के दशक में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें शानदार हम, इसी का नाम जिंदगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, दरार और घातक जैसी कई अन्य फिल्में शामिल हैं। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, खासकर तो फिल्म हम और घातक। हम को निर्देशित करने का काम मुकुल एस आनंद ने किया था। इसमें अमिताभ बच्चन,
रजनीकांत और गोविंदा मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया गया, खासकर की जुम्मा चुम्मा दे दे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और साल की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। वहीं पर घातक एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इसमें अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि शिवा चंद्रू की भूमिका में नजर आए। लेकिन 90 के दशक के बाद उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया और वो कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। साल 2002 के बाद वो 2022 में फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग में दिखाई दिए। हालांकि इस 20 साल की अवधि में वो साल 2013 में फिल्म रक्त को निर्देशित करते नजर आए थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही और 2017 में उन्होंने छोटे पर्दे से दोबारा अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है और अपने चाहने वालों को रोमांचित किया है। इतने सारे फिल्मों में अभिनय करना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, जिसमें जुनून, जय गणेशा, ब्लैक, काला साया, रुद्र के रक्षक और क्योंकि तुम ही हो जैसे टीवी सीरियल शामिल हैं। दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम शर्मिला गांगुली है। वो एक हाउसवाइफ हैं। उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है देशा रिंदानी और दूसरी बेटी का नाम है सृष्टि गांगुली रिंदानी। सृष्टि एक एक्ट्रेस हैं। उनका जन्म साल 1995 में हुआ था। वो कई टीवी सीरीज में नजर आ चुकी हैं। उन्होंने साल 2022 में भावेश मेहता से विवाह किया, जो एक राइटर और क्रिकेटर हैं। वहीं पर दिशा एक फिल्म डायरेक्टर और राइटर हैं। उन्होंने साल 2015 में आई शॉर्ट फिल्म बॉम्बे 70 और 2017 में आई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मीट द वॉइस को निर्देशित किया है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। शिवा की सिर्फ दो ही बेटियां हैं और एक भी बेटा नहीं है। वैसे शिवा ने अपने परिवार के बारे में कभी भी कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए उनके माता पिता और भाई बहनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। काफी संघर्ष करने के बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और अपने दम पर नाम कमाया। कोई गॉडफादर ना होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना तो पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि सोना आग में जितना तपता है उतना ही चमकता है। एक लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने दोबारा अपने चाहने वालों को रोमांचित करने का फैसला किया और अभी वो अभिनय में पूरी तरह से एक्टिव हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप उनके बारे में पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।